और एक माइनक्राफ्ट वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ सोहम। और पिछले वाले पार्ट में हमें डंजन में डायमंड्स भी मिले थे, तो बहुत अच्छा हुआ था एक स्टार्ट हमारे लिए। और इस पार्ट में आज हम हाउस करने वाले हैं, तो चलो करते हैं। ओके गाइस, तो अभी आप तक अपने पिछला पार्ट नहीं देखा होगा तो अभी जाके देख लीजिए। तो फर्स्ट अब मैं मेरा हाउस करूँगा, सिंपल सा होगा। हाँ, पहले सिंपल सा ही होगा, बाद में मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, चाहिए तो करना भी पड़ेगा आई थिंक सो। थोड़ी घास तोड़ दूँगा। ओके, सीड्स मिले, यस कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, इतने एरिया काफ़ी है हमारे लिए आई थिंक सो। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने जगह डोर के लिए रख दी अभी। मेरा एक सिंपल सा स्वीट छोटा सा प्यारा घर। गाइज, आई थिंक सो मैं नेक्स्ट पार्ट में केव एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाला हूँ। पता नहीं, इस पार्ट में भी हो सकता है, आई डोंट नो। घर कैसा है उस पर है अब। वाप प्लीज हो गया। गाइज, मैं थोड़ी देर पॉज कर रहा हूँ, मतलब आपको सिर्फ फर्नीचर भी देखने को मिलेगा, मतलब फर्नीचर भी देखने को मिलेगा, तो मैं अभी थोड़ी देर पॉज कर रहा हूँ। तो गाइज, मैंने एक लेयर बना दिया है अभी, स्टोन की है मैंने, थोड़ा डिज़ाइन होगा थोड़ा, इसलिए यहाँ पे मैं बीच में डोर के लिए जगह रख रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी रख देता हूँ ना डोर, मतलब बाद में कन्फ्यूजन ही नहीं है ना। मैं स्टोन का ऊपर से और नहीं करूँगा क्योंकि स्टोन और फर्नेंस के लिए वगैरह भी लगेंगे, और उसके लिए मैं थोड़ा लेजी हूँ स्टोन लेने को, ट्रीज काटने को। ओके, ये ख़त्म हो गए। मुझे बहुत ट्रीज अभी काटने पड़ने वाले हैं, पता नहीं कितने पर बहुत। तो गाइज, मैं फिर से थोड़ा पॉज करूँगा क्योंकि मतलब आपको थोड़ा इतना भी बुरा नहीं लगेगा ना कि सिर्फ मैंने घर दिखाया किया हुआ, तो थोड़ी देर ही पॉज कर रहा हूँ। तो गाइज, मेरा इतना हो गया है, रूफ अभी तक बाकी है और मुझे सीरियसली 7-8 पेड़ लगे इतना करने को। ओके, शीप आ गई है, मर मर, अरे मर, चल। बाप रे, बहुत बहुत मतलब मैंने मेहनत की इसके लिए भी, और घर होने वाला है मेरा बड़ा। ओके, अब मुझे रूफ करनी है। गाइस, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए एक लाइक तो बनता है आपका, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी। ओके, मैं थोड़े टॉर्चेस लगा रहा हूँ पहले, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ओके, तो दो में फिर से थोड़ी देर पॉज कर रहा हूँ क्योंकि रूफ होने में थोड़ी देर लगेगी, फिर मैं आपको घर का अंदर से भी दिखाऊंगा ना क्या होगा। गाइस, फाइनली हमारा हाउस रेडी है, पूरी तरीके से रेडी हो गया हमारा हाउस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अब। ओके, तो हमारे पास ये है, ये रख दिया बाहर से,
बाहर से तो नहीं रखूंगा, जॉम्बी वगैरह ने गलती से भी उस पर पैर रख दिया ना तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि। ओके, तो रात हो रही है, मैं जल्दी से अंदर जा रहा हूँ। कल मुझे जल्दी से फाइनेंस कर देता हूँ। अभी बेड कहीं पे भी रखूँगा मैं, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। ओके, मेरे पास बेड कहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे। 2 मिनट के लिए डर गया था। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे नए घर में पहली मॉर्निंग हमारी। मैं जल्दी से आकर टॉर्चेस ला रहा हूँ, बहुत अंधेरा लगता है घर में क्योंकि। ओके, इधर से मैंने तोड़े थे इधर से ही तोड़ूंगा मैं। मॉब्स वगैरह अभी तक आए नहीं यार, खाना भी मेरा कम है। अब एक 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 तंगड़ी सिर्फ कम है अभी तक। एक हॉर्स, पर मेरे पास सैडल ही नहीं है। सैडल वाय, छोड़ दो अब, क्या सैडल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कहूँगा। मेरे पास 4 टॉर्चेस है, यहाँ पे एक लगा देता हूँ अभी के लिए। मेरे बेड के पास एक और कापे चाहिए, यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक रह गया था। गुड, तो सबसे पहले बेड यहीं पे रहने देते हैं, आई थिंक सो। इतना भी बुरा नहीं लग रहा, मैं ऊपर जाने के लिए भी रास्ता करने वाला हूँ। बहुत काम अभी बाकी है। एक चेस्ट है, एक क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेंस मैंने किया नहीं। ओके, मैं क्राफ्टिंग टेबल इधर रख रहा हूँ, ये किया मैंने फर्नेंस। एक दो चेस्ट, ओके 3 है अब मेरे पास टोटल। ये रखा मैंने फर्नेंस, ये चेस्ट ट्रैश के लिए, ये वैल्यूएबल्स के लिए। वैल्यूएबल्स में पहले डायमंड्स, कोल। ओके, कोल वैल्यूएबल नहीं है वैसे, पर तो भी सब इम्पोर्टेंट चीज़ें। ट्रैश कहने से अच्छा मैं, हाँ ये ली चेस्ट। ओके, मैं फूड वगैरह इधर ही रखूँगा फिर। अरे नहीं, फूड चाहिए मुझे अभी सच्ची में। ये कोल भी ले लेता हूँ, और मुझे आयरन लेना होगा बकेट के लिए, ताकि मैं जल्दी से फार्म बना सकूं। ब्लास्ट फर्नेंस कैसे करते हैं? मैंने सुना है उससे और भी ज़्यादा फास्ट होता है फूड, तो वो भी अच्छा है हमारे लिए। ओके ओके, अब सब रख देता हूँ। ये सीड्स गए, बाप रे। सैपलिंग्स रख देता हूँ कभी चाहिए होगे तो। ये रखी स्ट्रिंग, ये फूड मैं इधर नीचे से रखना शुरू कर रहा हूँ। पोटैटो भी बेक करना, और ये भी ब्रेड ले लो भाई, बहुत है मेरे पास। ये रख दिया यहाँ पे। एक और चेस्ट में बना सकते हो क्या? हाँ लगेगी। इसमें मैं ये सब सामान रखूँगा, टूल्स नीचे से रखूँगा। सब थिंक किया है मैंने इसके लिए, बहुत थिंक के लिए किया है मैंने, कि कहाँ पे क्या रखूँगा फिर, कैसे करना है, और ये मेहनत भी डाली है। ओके ओके, मुझे ये चाहिए थोड़ी देर के लिए, मैं बहुत लेजी हूँ थोड़ा। स्टिक्स भी मैं ऐसे कर रहा हूँ, और उससे लैडर। अब ऊपर भी करना है ना घर, मज़े आने वाले हैं मज़े। ओके, बाहर बारिश हो रही है, और इधर सैंड थी क्या कहीं? भूल गया मैं शायद। ग्लास बनाने के लिए कुक्ड मटन। ओके गाइस, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे फ़िलहाल ट्रीज चाहिए, तो मैं ज़रा आ रहा हूँ। ट्रीज तोड़ के आता हूँ फिर से। मुझे सीरियसली 9-10 ट्रीज लगे हो गए इस घर के लिए। ओके, ये फ्री का खाना मिल गया, या फिर मैं भूल गया था कुछ, तो एक बात है।
कितना वर्ड मिला? तो भी एक में और झाड़ काप लो। आई थिंक सो इतना वर्ड बस होगा हमें। हमारा प्यारा सा घर जो और बड़ा होगा, डोंट वरी, इतने से मैं खुश रहूँगा ऐसा आपको लगता होगा तो फिर भूल जा। ओके, अब मेरे पास कितना वुड है? ओके, मेरे पास थोड़ा वुड है, 15। बहुत है, बहुत। सबसे पहले यहाँ से रास्ता बना, लैडर भी लगाते जाना पड़ेगा। ओके, एक तक आ गया। पिकैक्स से तोड़ दो, फिर ये भी तोड़ दो। नहीं, ये क्यों तोड़ना है? यस, अपस्टेयर्स रेडी। इसके रूफ में बाद में बनाऊंगा गाइस, बहुत देर, 2 मिनट के लिए ऊपर जाना था। ये ऐसे क्यों रखा है मैंने? ओके गाइस, अभी तक बहुत मेरा खाना। ओके ये अच्छा, एक पोर्क चॉप से बहुत भूख। ओके नहीं, रात नहीं हुई, बारिश नहीं है ना, इसलिए समझ भी नहीं आ रहा कुछ। नेक्स्ट बेक्ड पोटैटो जल्दी से रख देता हूँ वरना फिर से भूल जाऊंगा। मैं और नीचे भी घर करूंगा, अंडरग्राउंड भी करूंगा, इधर से कर देता हूँ थोड़ा सा। अरे मेरे पास लैडर एक ही थी, थिंक ही नहीं करता मैं आने से पहले कहाँ पे। मैं यहाँ से ऊपर तो कैसे जाऊँगा यार सच्ची में, मतलब। ओके, मैंने डर्ट तोड़ के स्टेयर्स करके मैं आया था सीरियसली अभी। तो सबसे पहले मैं ये करके तो रख देता हूँ ना, एक दो ट्रैप डोर भी ठीक है। स्टिक्स बहुत करूँगा, बहुत, फिर लैडर्स। अब ठीक लग रहा है ज़रा। तो गाइज, आई थिंक सो आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, लाइक कर दीजिए। मेरा घर बन गया है, एक और स्टेप हमने कर दिया है कंप्लीट घर बनाने का। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं केव एक्सप्लोर करूँगा और फिर वहाँ पे जो लूट मिलेगी ना, फिर तो क्या माला माल बनना है। ओके, फिलहाल के लिए ये बेक पोटैटो भी हो रहा है, हो गए। ओके, तो मैं सब पहले रख देता हूँ ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बाद में। या मेरे पास ही रख दूँगा, बेक पोटैटो रख दो। ये गया, ये भी गया। फिर ऊपर के चेस्ट में ये तो, अरे टूल्स में ये भी रख देता हूँ, क्या फ़ायदा। ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।